बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। को मौका मिला दुनिया के 100 बड़े नेताओं में शामिल होने। अब आज का जो प्रेस विज्ञप्ति हमारी है उसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। और ये हमारी आगामी चुनाव की तैयारी, हम आज से यहाँ उत्तराखंड बिल्कुल बजा रहे हैं कि हम आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती से काम करेंगे और हमें नजरअंदाज नहीं किया जा पाए किया जा सकेगा, इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। तो हमारी पहली जो है मांग है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कालागढ़ जो है के नाम से हमारी पार्टी उसको प्रस्तावित करती है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को दोनों सरकारों ने ठगाया राजधानी के नाम पर। और इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी है 60-70% वो मात्र 3 जिलों में निवास करती है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। और इतनी बड़ी आबादी जो जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, वंचित समाज से है, वो अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी मांग को लेकर गैरसैंण नहीं जा सकता है, वो बहुत एक दूरी का क्षेत्र है। तो इसलिए हम लोग कालागढ़ इसकी मांग करते हैं कि कालागढ़ ये राजधानी बननी चाहिए और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इसको बनाएंगे। जबकि वहां कालागढ़ में था और हम लोग काम करेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जहां गरीब आदमी नहीं जा सकता हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हम लोग वहां आसान करेंगे कि ये गरीब आदमी अपनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि ये लोग ये कोर्ट है किसके लिए, ये कोर्ट है जनता को न्याय देने के लिए। लेकिन क्या कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? वहां जाने के लिए उसको 2-2.5 लाख रुपए चाहिए और गरीब आदमी पर 2-2.5 लाख रुपए होंगे तो मुझे लगता है कि वो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। तो हम लोग जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ठीक करेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी को मान तो उसको बड़े पैमाने पर अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। कोई और सवाल? किस संज्ञान में ये तथ्य भी आया है कि राज्य के विभिन्न परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा सैकड़ों सालों से काबिज अनुसूचित जाति के परिवारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए, इस कारण उनके सरकारी मुआवजे की राशि से वंचित रखा जा रहा है, साथ ही उनके घरवार की से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे में गरीब कहां जाएंगे, अपने परिवारों को कहां रखें? हाल ही में ऐसी घटना ऋषिकेश मुनि की रेती के 8 अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ हुई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की परियोजना में इनकी जमीन अधिग्रहण की गई, राजस्व अभिलेखों में नाम न होने कारण के इन्हें मुआवजे से वंचित कर दिया गया, जबकि ये परिवार वहां पीडियो से बसे हुए हैं। हाईकोर्ट से भी इन्हें 1 करोड़ मुआवजे का रिवार्ड ग्रांट हुआ, किंतु रेल विभाग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। हमारी पार्टी ऐसे सारे मामलों के निस्तारण तथा पीड़ितों के समुचित मुआवजे की मांग करती है। और ये ध्यान देने योग्य है क्योंकि सरकार सेंटर की सरकार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, यानी कि गरीबों को घर मिलेगा, लेकिन जो गरीब लंबे समय से एक भूमि पर काबिज है वो वहां रह रहा है तो हम उसका हक भी छीन रहे हैं, उसे भी हम अगर बेघर कर दे रहे हैं तो देश की जनता है, प्रदेश की जनता कहां जाएगी और किससे सवाल करेगी? ये जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और उसके लिए रोजगार ये सरकार दे। और इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र तानाशाही करने के लिए नहीं कि मीडिया के अधिकार छीन लो, जनता के अधिकार छीन लो, इसलिए लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र की परिभाषा पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है वर्तमान सरकार बदनाम करा दी। तो हमारी ये मांगे हैं और हम सफाई कर्मचारियों को रेगुलर स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा सीवर में और तमाम तरह से जान गंवाते हैं। और कोरोना काल में जब सब लोग अपनी जान की रक्षा कर रहे थे तो हमारा सफाई कर्मचारी परिवार वो अपनी सेवाएं दे रहा था प्रदेश हित में और देश हित में, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके जीवन में अच्छा बदलाव हो इसलिए उनकी नौकरियां परमानेंट की जा रही। संविधान में प्रस्ताव कि जो कार्य दैनिक है वो जो रोज होता है उसको कभी ठेकेदारी पे नहीं किया जाएगा, लेकिन ये षड्यंत्र के थ्रू किया गया जिससे कि तबका जो है सफाई कर्मचारी का काम ही करता रहा, ये डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाए, इस काम को हम लोग करेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन्हें नजरअंदाज ना किया जाए, इन पर काम किया जाए। हमारी पार्टी देश हित में चल रहे किसान आंदोलनों को उनकी मांगों का समर्थन करती है और ये जिस दिन का आंदोलन चल रहे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की एक बड़ी आबादी उत्तराखंड में रहती है और हमारा आंदोलन उनके साथ उनकी मांगों के साथ है, हम इसमें उनका सहयोग करेंगे। और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम एमएसपी की गारंटी देते हैं उत्तराखंड में कि उत्तराखंड के किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। राज्य के निजी फैक्ट्री यानी कि सिडकुल, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर
मैं आए दिन वर्करों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है,